हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम इस चैप्टर में यानी अध्याय टू में ध्वनियों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि हिंदी आशुलिपि की दृष्टि से आशुलिपि भाषा में 10 स्वर होते हैं और इन सभी स्वर ध्वनियों को हल्के वह गहरे बिंदु और डैश से दर्शाते हैं। यानी कि जो 10 ये स्वर हैं, जिसमें अल्प 4 हैं, दीर्घ 6 हैं, इनमें से हम कुछ को हम गहरे लिखते हैं, कुछ को हल्के लिखते हैं और इनका जो है रेखा अक्षर का प्रारंभ कहाँ से होता है। इनमें प्रत्येक रेखा अक्षर के 3 स्थान होते हैं। प्रत्येक जो रेखा अक्षर हमारे 31 व्यंजन हैं उनके जो स्वर हैं 10, तो स्वर के अनुसार जो इनके स्थान फिक्स है वो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान। इनको इंडिकेट कैसे करते हैं, कैसे आपको समझ में आएगा और उन 10 स्वर में से, उन 31 व्यंजनों में से हम अधोगामी कितने लिखेंगे, अग्रगामी कितने लिखेंगे और ऊर्ध्वगामी कैसे लिखेंगे, यानी ऊपर से नीचे कितने बनाने हैं, बाएं से दाएं कितने बनाने हैं, नीचे से ऊपर कितने बनाने हैं, ये स्वर के अनुसार है। तो पहला देखिए कि ये जो रेखा अक्षर है 3 होते हैं, जिसको हम प्लेस कहते हैं या रेखा अक्षर की स्थान। ये जो प्रथम यहाँ है, द्वितीय लाइन पर है और तृतीय जो है लाइन को काटा जाता है, यानी कि प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, यानी कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये हमारे कुछ स्वर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हैंड में लिखे जाते हैं। अब रेखा अक्षर के जो स्थान हैं, अधोगामी रेखा अक्षरों के स्वर स्थान की गणना ऊपर से नीचे, ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर के नीचे से ऊपर और अग्रगामी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब आपको एग्जांपल बताते हैं कुछ जो है कैसे। ये हमारा प है तो इसका प्रथम स्थान ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है, ये स्वर का स्थान है। ये त है तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जैसा स्वर आएगा, इधर आएगा तो इधर लगाएंगे, यानी पहले साउंड आएगा तो पहले लगाएंगे, बाद में आएगा तो बाद में लगाएंगे। फा है तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, इस तरह से। अब ल है तो ल हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट यहाँ हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ हो गया, ये अक्षरों के अकॉर्डिंग है। र ऐसे है, ये ऊर्ध्वगामी है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जैसे रेखा अक्षर जहाँ से प्रारंभ होगी वहीं से प्रथम स्थान होगा। जैसे क है तो ये प्रथम, सेकेंड, ये थर्ड हो गया। म है तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये रेखा अक्षरों का स्थान है। ये जो हमारे हैं, ये जो स्वर हैं, तो इनमें से कुछ स्वर आएगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ इसका इंडिकेशन होगा, पहले आएगा तो पहले लिखेंगे, बाद में आएगा तो बाद में लिखेंगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब हम
स्वर के कुछ वर्ड लेकर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो साउंड वाले वर्ड होते हैं कैसा डायरेक्शन, ये आपको रेखाक्षरों पर स्वर स्थान हमने बता दिया कि 31 व्यंजनों और स्वरों के साथ मिलके लाइन से ऊपर कितने लिखे जाएंगे, लाइन से लाइन पर कितने लिखे जाएंगे, लाइन को कट करके लिखे जाएंगे, ये हमारे 10 स्वर ही फिक्स हैं। इन्हीं में से कुछ वर्ड स्वर वाले ऊपर लिखे जाएंगे, कुछ है जैसे कि हमें लिखना है पा पा, साउंड आ गया आ। जब आ आएगा ये फर्स्ट प्लेस है यानी ऊपर बनेगा, तो दो बार हमें पा और पा, यहाँ पे आ के लिए गहरा बिंदु लगाएंगे और फिर पा पा, फिर यहाँ दो लगे, यानी कि फर्स्ट प्लेस में यहाँ लगेगा, तो इन्हीं में से लगेगा। अब आता है हमें लिखना है पेज। देखिए बोलने पे क्या आ रहा है, पेज, पहले प पढ़ रहे हैं लेटर को, फिर ए जो पढ़ रहे हैं हम, इन्हीं में से ए जो है ये है। ए का जब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तब ये होगा, इसमें डार्क डॉट लगता है, इसमें लाइट लगता है, तो ए के लिए डॉट लगेगा, तो हम पहले प बनाएंगे, जे बनाएंगे और यहाँ पे बीच में, देखिए यहाँ पे बीच में लगेगा यानी द्वितीय स्थान पे। हमें लिखना है पीपा, अब साउंड से आ गया ई, तो हम क्या करेंगे पी पी। अब पी का जो हमारा है यहाँ पे थर्ड प्लेस लगेगा और आ के लिए यहाँ पे लग जाएगा, तो इस तरह से साउंड जितने हैं आपको ये समझना होगा कि इनमें हम इस चैप्टर में क्या बताया कि दीर्घ ध्वनियाँ और अल्प ध्वनियाँ का प्लेसेस कहाँ पे लिखा जाएगा और कैसे इंडिकेशन होगा। अल्प के लिए लाइट साउंड होता है, दीर्घ के लिए गहरे यानी कि डार्क साउंड होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न या समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे बता सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।